नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचकर देखा है दोस्तों कि इंटरनेट को चलाता कौन है, कौन पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल करके रखता है? शायद आपके मन में आएगा कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल या बीएसएनएल हो गया, ये कंट्रोल करती है। लेकिन ये चीज सच नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी ने बंद किया प्रोवाइड करना तो दूसरी कंपनी मौजूद है यहां पर। तो शायद आप सोचोगे कि हमारी सरकार कंट्रोल करके रखती है, लेकिन ये चीज भी सच नहीं है। सरकार ज्यादा से ज्यादा 2-3 फेसबुक पोस्ट हटा सकती है, वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन्हें बायपास आसानी से किया जा सकता है। और पूरी दुनिया भर के इंटरनेट पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं आएगा इससे। तो आप शायद सोचोगे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनीज कंट्रोल करके रखती हैं क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा डेटा है यहाँ पर। लेकिन ये चीज भी सच नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और ये कंपनीज उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। तो सवाल यहाँ पर ये कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, कौन आपको जगह दे रहा है इंटरनेट पे यहाँ पर वेबसाइट बनाने के लिए? कोई अथॉरिटी जो बता सकती है कि ये वेबसाइट आप बना सकते हो, ये वेबसाइट नहीं बना सकते? इस एजुकेशन वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया भर में फ्रीडम और डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है। चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स को कंप्लीटली ब्लॉक ऑफ करके रखती हैं कुछ वेबसाइट से। कुछ वेबसाइट जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक वहां पे परमानेंटली ब्लॉक्ड है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट एक तरह से ब्रेन वॉश करना चाहती है अपने सिटीजन्स का यहाँ पर। इसलिए दोस्तों इंटरनेट कैसे काम करता है और ये क्या है, इसको समझना काफी जरूरी है मुझे लगता है, और ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल कॉन्टेस्ट है आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसमें आपको बहुत से प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। मेगा प्राइज है सिंगापुर तक जाने के लिए एक हॉलीडे ट्रिप। तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। www.youtube.com ये एक URL है, एक लिंक है। इसमें जो YouTube है दोस्तों उसे कहेंगे डोमेन नेम, और जो .com है उसे कहेंगे टॉप लेवल डोमेन। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको अपना डोमेन नेम खरीदना होता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम को बेचने का काम करती हैं, जैसे कि GoDaddy.com। GoDaddy.com पे आप जाएंगे, अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम खरीदना है, जैसे मुझे ध्रुवराठी.com के लिए खरीदना था तो मैं GoDaddy.com पे जाके मैंने खरीदा। लेकिन अब सवाल ये कि GoDaddy को हक किसने दिया ये कि ये डोमेन नेम जाकर बेचे? GoDaddy कौन होता है डोमेन नेम को बेचने वाला? कोई तो होगा जो कह रहा है कि अच्छा GoDaddy डोमेन नेम बेच सकता है। अगर नहीं है तो GoDaddy यानी इंटरनेट का बॉस बन गया एक तरह से, कि यही डोमेन नेम्स को बेचेगा, अब यही डिसाइड करेगा कि किसके पास कौन सी वेबसाइट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर एक और अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का नाम है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो लॉस एंजलिस में बेस्ड है। इसे आप कह सकते हो कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है कि GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स को हक दे डोमेन नेम्स को बेचने का यहां पर। ये अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी वेबसाइट्स डोमेन नेम्स को बेच सकती हैं। ये टॉप लेवल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन से डोमेन नेम्स हो सकते हैं एक्चुअली में। .com हो सकता है, .in हो सकता है, .info हो सकता है, .gov हो सकता है। तो ये सब ICANN डिसाइड करता है कि चलो मैं हम .gov नाम की वेबसाइट बना सकते हैं, हम .com नाम के डोमेन नेम्स बना सकते हैं। हालांकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये टॉप लेवल डोमेन नेम्स को बेचती है बाकी कंपनीज को बिडिंग करके। जिन कंपनीज को ये बेचती है उन्हें रजिस्ट्रीज कहेंगे। ICANN की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हो कि अलग अलग टॉप लेवल के डोमेन्स किस किस कंपनी ने खरीद रखे हैं। जैसे कि .aaa है, इसे अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने खरीद रखा है। रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स, GoDaddy.com जैसी कंपनीज जो टॉप लेवल डोमेन प्लस डोमेन नेम लोगों को बेच सकती हैं। तो क्या ICANN यहां पर पूरे इंटरनेट का भगवान है क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। एक नेट की तरह समझो आप इसे, जो कंप्यूटर, जो मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है वो इंटरनेट को बनाता है, उसे सर्वर कह सकते हो आप। आपके मोबाइल फोन को, आपके कंप्यूटर को, कोई भी डेटा सेंटर है, हर एक कोई सर्वर है जो एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया भर में बड़ी बड़ी अंडर वाटर केबल्स बिछी हुई हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, जिससे इंटरनेट बनता है यहां पर दोस्तों। अब आप पूछोगे कि मेरा मोबाइल फोन तो किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर कैसे इंटरनेट चल जाता है? मोबाइल फोन दोस्तों मोबाइल टावर के साथ चलता है, जो 3G 4G है उसकी कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं होती है यहां पर। आप उस मोबाइल फोन के टावर के पास हैं तभी आपके फोन पे 3G 4G का सिग्नल आता है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा दूर जाएंगे वहां पर नहीं आएगा। तो जो मोबाइल फोन का टावर है वो एक्चुअली में वायर से कनेक्टेड है, वो उस वायर से कनेक्टेड है इवेंचुअली, जो वायर पूरी दुनिया भर की वायर से कनेक्टेड है। आप मैप में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे। एक बड़ी वायर आई इंडिया में जो मुंबई तक गई, और मुंबई के पॉइंट से
अलग अलग जगह पे वहां से वायर्स निकली और पूरे इंडिया के अलग अलग एरियाज में गई, जिससे कि देश भर के अलग अलग एरियाज में इंटरनेट पहुंचा। तो एक तरह से आप कह सकते हो जिस कंपनी ने ये वायर्स बिछाई हैं आप पर, उसके पास काफी सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि वो इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगह तक। दूसरा आप कह सकते हो कि जो कंपनी जमीन पर वायर बिछाकर आपके घर घर तक ये वायर पहुंचा रही है, उस केबल से कनेक्ट कर रही है और आपके कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्ट कर रही है, इनके पास भी काफी सिग्निफिकेंट पावर है। इन्हें कहते हैं दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISPs। ये हो गए आपके एयरटेल, जियो, BSNL, जो आपके घर तक इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। और हाँ, है इनके पास सिग्निफिकेंट पावर, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पर ये ISPs कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करा सकते हैं अगर गवर्नमेंट कहती है तो। लेकिन इतनी भी पावर नहीं है इनके पास कि ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर पाए, क्योंकि VPN लगा के आप ISPs की ब्लॉकेज को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हर मोबाइल फोन का एक फोन नंबर होता है जिससे आप दूसरे मोबाइल फोन को कॉल लगा सकते हो, ऐसे ही हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, या कोई भी और सर्वर हो, जैसे कि कोई डेटा सेंटर हो गया, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होगा। हर वेबसाइट का भी एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि आप फोन कॉल किसी नंबर पे लगाते हो तो किसी और फोन पे कॉल जाती है जिससे आप बात कर सकते हो, ऐसे ही दोस्तों जब आप अपने ब्राउजर में एक आईपी एड्रेस लिखते हो तो किसी और सर्वर पे वो जाता है, जहां की जो सर्वर की वेबसाइट आपको अपने कंप्यूटर पे दिख पाए आप। अब आप पूछोगे कि डोमेन नेम लिखते हो आप, आईपी एड्रेस तो नहीं लिखते, तो डोमेन नेम्स दोस्तों आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। एक्चुअली में आईपी एड्रेस इंसान नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो डिजिट्स और नंबर्स में लिखा गया है, तो डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है आईपी एड्रेस का। जब आप ब्राउजर में एक वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हो तो उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने वाली चीज होती है डोमेन नेम सर्वर, यानी DNS। अब कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, DNS से ब्लॉक कर देते हैं किसी वेबसाइट को कि आप कोई डोमेन नेम लिखो तो वो उस आईपी एड्रेस से लिंक ही ना कर पाए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो DNS है वो आपको ब्लॉक कर रहा है कोई वेबसाइट पे जाने से। इसके लिए सिंपली आप पब्लिक DNS यूज कर सकते हो, जैसे गूगल का DNS होता है 8.8.8। आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाके अपना DNS चेंज कर दो, अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाके अपना DNS चेंज कर दो और गूगल का यूज करने लग जाओ, तो जो ब्लॉक वेबसाइट्स हैं वो अनब्लॉक्ड हो जाएंगी। ऑब्वियसली VPN करना भी एक तरीका होता है यहां पर। तो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे दोस्तों, कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट? इसका सही जवाब है कि ये किसी का भी नहीं है और हम सबका भी है, क्योंकि इंटरनेट तभी चलता है जब ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। और अगर आपको इंटरनेट का एक पार्ट खरीदना है, आपको इंटरनेट को ओन करना है, या तभी कर सकते हो जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, अपना एक डोमेन नेम खरीदो, फिर आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा जहां पे आपकी वेबसाइट को स्टोर किया जा सके। अब आप पूछोगे कि मैंने कहा था कि आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर भी सर्वर हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि पूरी वेबसाइट को स्टोर करे, और वो 24/7 नहीं चलता है आपका कंप्यूटर ना ही आपका फोन। अगर वो 24/7 चलेगा तभी औरों के लिए इंटरनेट पे वो 24/7 आपकी वेबसाइट अवेलेबल रहेगी। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं, बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं, बहुत सिक्योर है वो, उन पे जाके आप अपने सर्वर्स खरीद सकते हो अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। फिर आपको अपने डोमेन नेम को सर्वर से लिंक करना पड़ेगा और अपने DNS को पब्लिश करना पड़ेगा। अब आप सोचकर देखो दोस्तों, अगर आपकी ये वेबसाइट है, अगर आप अपनी वेबसाइट को आप अपने घर में रखी हार्ड डिस्क की तरह, घर में रखी पेन ड्राइव की तरह यूज कर पाओ, तो क्योंकि वेबसाइट आपको स्टोरेज स्पेस दे रही है यहां पर जो सर्वर पर है, और जब भी आप कहीं बाहर हो आप बस इंटरनेट पे वेबसाइट खोलो और आपके हार्ड डिस्क में रखे जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। और फर्क ये होगा कि इस वेबसाइट को पूरी दुनिया एक्सेस नहीं कर पाएगी, सिर्फ आप ही कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो आपको एक अपनी वेबसाइट मिल गई जिसे आप एक हार्ड डिस्क की तरह यूज कर पा रहे हो।